हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश है और आज अपनी सैस इन हिंदी वीडियो सीरीज में हम फिर से बात करेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में। इस बार लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करके सिर्फ एक वेरिएबल के थ्रू हमने डेटा को सॉर्ट किया था, डिसेंडिंग और असेंडिंग किया था। इस बार हम देखेंगे कि कैसे अगर हमें दो वेरिएबल के का यूज़ करना है डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग करने के लिए, तो वो कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो ये आपको बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएगा। आइए एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लेते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ। proc sql और हम इन ऑप्स ले लेते हैं इस बार 50 और नंबर का यूज कर लेते हैं ताकि हमारी हर एक ऑब्जर्वेशन के आगे नंबर प्रिंट हो जाए। उसके बाद अपना एक और स्टेटमेंट, अपना अगला स्टेटमेंट लिखते हैं कि हमें कौन कौन से वेरिएबल्स उठाने हैं। तो सेलेक्ट मेक मॉडल सिलेंडर्स और हॉर्स पावर, जो हमने लास्ट वीडियो में ऑब्जर्वेशन वेरिएबल्स लिए थे वही हम यहाँ भी ले रहे हैं। सेलेक्ट मेक मॉडल सिलेंडर्स हॉर्स पावर फ्रॉम लाइब्रेरी की हमारी सेस हेल्प, और डेटा सेट था हमारा कार्स। यहां पे हमने यूज किया था ऑर्डर बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय। इस बार हम क्या करते हैं कि ऑर्डर बाय सिलेंडर्स लेते हैं। हाँ, और डिफॉल्ट जो असेंडिंग होता है असेंडिंग रहने देते हैं, लिखिए या मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और हम इसको रन कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे मेरे 50 ऑब्जर्वेशंस प्रिंट हो गए और हॉर्स पावर यहाँ पे मेरा, सॉरी मैंने क्या लिया था, हाँ सिलेंडर्स मेरा वेरिएबल था जिसके थ्रू मैं ऑर्डर बाय क्लॉज रन कर रहा था। तो आप देखेंगे 4, 6 और फिर 8, तो सबसे छोटा जो हमारा वैल्यू था वो पहले आ गया और सबसे ज़्यादा वाला वैल्यू हमारा बाद में आ गया। तो इस तरह से हमारा ये पूरा जो रिजल्ट है वो प्रिंट हो गया। अभी मैं चाहता हूँ कि लेकिन इसमें, हाँ इसमें एक चीज़ और है, अगर आप देखें जो मैंने कहा था कि हम दो वेरिएबल से कैसे इसको सॉर्ट करें, तो उसका उसकी ज़रूरत कहाँ पे आई है कि यहाँ पे देखिए सिलेंडर 4 है और 170 हमारा हॉर्स पावर है। यहाँ पे 4 सिलेंडर है, 180 हॉर्स पावर है, यहाँ तक तो असेंडिंग जा रहा है। यहाँ पे 4 सिलेंडर है 200 है, यहाँ पे 4 सिलेंडर 200 है 225 है, लेकिन यहाँ पे फिर से 170 आ गया। तो 4 ही सिलेंडर है और 170 का हॉर्स पावर है। तो देखिए ये एक पैटर्न में नहीं है, मैं चाहता हूँ कि पहले सिलेंडर के से वो हमारा असेंडिंग में आए और उसके बाद हॉर्स पावर से मेरा ये डेटा जो है असेंडिंग में आ जाए। तो ये मैं कैसे करूँगा, इसके लिए मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर्स के बाद हॉर्स पावर लिखना होगा। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये आप देखें, सबसे पहले सिलेंडर्स के थ्रू इसने यहाँ पे डेटा सेट को सॉर्ट किया, उसके बाद इसने हॉर्स पावर से इस यहाँ पे डेटा को सॉर्ट किया, यानी कि 170 पहले आ गया और देन 180 देन 200 एंड देन 225। ऐसा ही यहाँ पे भी बस 6 सिलेंडर वाले में, और यहाँ पे 175 184, यानी कि दो वेरिएबल से हमने यहाँ पे इसको ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज किया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हमने अपने वेरिएबल्स को, हमने दो वेरिएबल्स का यूज करके डेटा को सॉर्ट किया। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमारा डेटा जो है वो असेंडिंग में तो प्रिंट हो गया कि पहले सिलेंडर्स हो फिर देन हॉर्स पावर हो, अब मैं चाहता हूँ कि हमारा डेटा डिसेंडिंग में प्रिंट हो, यानी कि सबसे ज़्यादा वाला सिलेंडर पहले आए और सबसे ज़्यादा वाला हॉर्स पावर यहाँ पे पहले आए। तो जो भी हमने असेंडिंग में किया उसका ठीक अगेंस्ट हम डिसेंडिंग में करेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, सिलेंडर्स के बाद डिसेंडिंग एंड देन हॉर्स पावर के बाद डिसेंडिंग। आप चाहें तो यहाँ पे पहले हॉर्स पावर के बाद असेंडिंग भी लिख सकते हैं, यानी कि सिलेंडर सबसे ज़्यादा सिलेंडर पहले आएगा और हॉर्स पावर सबसे कम वाला पहले आएगा, सबसे ज़्यादा वाला सिलेंडर पहले सबसे कम वाला हॉर्स पावर पहले,
तो जी 8 सिलेंडर में सबसे कम हॉर्स पावर था हमारे पास 300। तो डेटा सिलेंडर्स वाला जो डेटा है वो पहले हमारा सॉर्ट हुआ ज़्यादा से कम में, और फिर हमारा हॉर्स पावर वाला कम से ज़्यादा में सॉर्ट हुआ। और इसको हम चाहें तो अपोजिट भी कर सकते हैं। तो सिलेंडर्स वाला डेटा एज यूजुअल हमारा ज़्यादा से कम में सॉर्ट हुआ, और इस बार लेकिन हमारा जो हॉर्स पावर वाला डेटा है वो भी ज़्यादा से कम में सॉर्ट हुआ। तो इस तरह से आप चाहें तो दो वेरिएबल्स का यूज़ करके, तीन वेरिएबल्स का यूज़ करके भी डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। बस उसको आपको उसके आगे डिसेंडिंग या असेंडिंग मेंशन करना होगा। असेंडिंग बाय डिफॉल्ट होता है, डिसेंडिंग आपको मेंशन करना होता है। तो आपने देखा कैसे हमने कई ऑब्जर्वेशंस का यूज़ करके डेटा को सॉर्ट किया, और हमने यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ किया। तो आप इसको अलग अलग सिनेरियोस पे प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा अगर कोई जो भी मैं कर पाऊँगा आपके लिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी और मज़ेदार टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।